मैं शेयर करूं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अहमद हाशमी सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से, और आप देख रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स में नईम हाशमी के यूट्यूब चैनल पर हमारी मल्टीमीडिया टास्किंग कोर्स की सीरीज। और आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हम लैपटॉप से अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। क्या आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है नजर। जी आ रही है। ओके, तो आज हम बिजनेस प्रमोटिंग में कुछ एक छोटा सा सीखेंगे कि आज हम सीखेंगे हम यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं, उस पर अपनी वीडियोस कैसे डालना शुरू करें, और भी यूट्यूब से मुतल्लिक काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, असल में आप लोगों के पास जो मेन चीज़ है, कई लोग ब्राउज़र अपना बहुत सारे ब्राउज़र्स वैरायटी में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कोई मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहा है, कोई क्रोम यूज़ कर रहा है, इस तरह से। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ज़्यादा अच्छा ब्राउज़र जो है वो क्रोम है, और इसी पे हम अपना सारा सीखेंगे। तो आप सबके पास अगर ये क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें गूगल से जाके। तो गूगल अगर आपके पास नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट एज से भी डाउनलोड हो जाएगा। आप सबसे पहले अपना क्रोम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसके बाद आपके जो आईडीज, अगर कोई नहीं बनी आपकी आईडी तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ रहा होगा। यहाँ पे वो आपको कहेगा सेट अप योर न्यू क्रोम प्रोफाइल, यानी कि आप अगर ब्राउजर यूज करना चाहते हैं तो उसके एक न्यू आप बना लें अकाउंट। तो यहाँ पे मेरे क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंट्स और भी बने हुए हैं, तो कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट का भी एक ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसको, आपको हो सकता है ना आ रहा हो आपके ऊपर, यहाँ पे साइन इन का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको अपना ईमेल देना है जो भी आपका बना हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ईमेल ले दिया, आप भी अपना कोई ईमेल दें, उसके बाद नेक्स्ट कर लें और अपने ईमेल का पासवर्ड ले लें। ठीक है, आपने ईमेल दिया, अपना पासवर्ड दिया और आपका अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद अगर आपका ये पहले से यूजिंग हुआ तो वो आपको कहेगा कि ये यूजिंग हुआ है, तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। और उसके बाद आप खोल लें अपना गूगल अकाउंट। जब आप ईमेल पासवर्ड देके वेरीफाइड हो चुके होंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास गूगल का जो है वो सबसे पहले शेप प्लेटफॉर्म आ रहा होता है। इस पे आपने जाने के बाद सिंपल सबसे पहले आपने सर्च करना है यूट्यूब। यूट्यूब पे जाने के बाद अक्सर लोग यूट्यूब पे आते हैं वीडियोस देखने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे और बहुत सारे काम करने के लिए आए हैं। तो यूट्यूब पे ओपन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी क्रोम की प्रोफाइल है ब्राउजर की, और नीचे ये आपकी है उसकी प्रोफाइल, यूट्यूब की प्रोफाइल। तो आपकी अगर नहीं बनी हुई तो इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से अपना वही ईमेल और वही पासवर्ड देना है जो कि आपने क्रोम ब्राउजर में साइन इन करते हुए दिया था। तो वही वाला ईमेल देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ रहा होगा, बल्कि अभी नहीं, उसके बाद आपको यहाँ जहाँ मेरा योर चैनल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा क्रिएट योर चैनल। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आ रहा होगा। फिर आप अपने जाएंगे योर चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे, योर चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये देख सकते हैं आप सामने कुछ इस तरह का पेज आ रहा होगा। पेज आने के बाद यहाँ पे आपके चैनल का नाम होगा, जो आपने इसको ईमेल देते हुए आपने रखा था वो आपसे नाम भी पूछेगा, तो वो यहाँ पे वो आ रहा होगा, और साथ में आपकी प्रोफाइल पिक्चर, और सबसे ऊपर आपकी कवर फोटो आ रही होगी। कवर फोटो के नीचे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियोज का। अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं डाली, जैसे कि देख सकते हैं मैंने वीडियोस डाली हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम सब तरतीब से सीखेंगे। कस्टमाइज चैनल पे आपने क्लिक करना है, और देख सकते हैं कि आप अपने यूट्यूब से हटके यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में आ जाएंगे, जो कि आपको ब्राउजर ही प्रोवाइड करता है। यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो थोड़ी देर लगाता है लोड होने में, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन हैं। तो चैनल कस्टमाइजेशन के बाद
आप जब यहाँ पे इस तरह से आएगा आपका, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है लेआउट का। तो यहाँ पे आप अपने चैनल का लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि चैनल का ट्रेलर आप दे सकते हैं, फीचर वीडियो डाल सकते हैं, ये काफी सारे ऑप्शन है, हम सबसे तीस से सुनेंगे। उसके बाद ब्रांडिंग का ऑप्शन है। इस ब्रांडिंग पे जाने के बाद आप अपनी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, अपनी कवर फोटो जो आपने ऊपर देखी थी मैंने लगाई हुई थी। और उसके बाद आप यहाँ पे एक वाटरमार्क लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। वाटरमार्क लगाने के बाद इसका ये फायदा होता है कि जब कोई आपकी वीडियो देख रहा है तो उसकी वीडियो में यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से आपका वाटरमार्क आएगा। इससे दो चीजें हो सकती हैं, पहला तो आपकी वीडियो कोई चोरी नहीं कर सकता और अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता, और दूसरी बात ये कि जब कोई इस लोगो पे क्लिक करेगा तो आपका चैनल जो है वो सब्सक्राइब करने में लोगों को इजी होगी, इजी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारे पास डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ आपको अपने चैनल की चैनल का एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो जो है हमारी जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई है वो ये वाली वीडियो है जो कि मैंने अपलोड की हुई है। यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, और यहाँ पे मुझे एक देख सकते हैं न्यू अचीवमेंट आ रही है, जैसे कि मैंने 1000 व्यूज़ जो हैं वो मैंने रीच कर ली है। ये मेरी एक न्यू अचीवमेंट है जो मुझे यूट्यूब बता रहा है। साथ में यूट्यूब आपको न्यूज़ देता रहता है, आइडियाज़ देता रहता है, जिससे जो इश्यूज़ वगैरह हैं वो आप सब हेल्प उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी पब्लिश वीडियोस देखेंगे, लेटेस्ट कमेंट्स देख सकते हैं और रिसेंट सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये देखना है कि आपके कितने लोगों ने, कौन कौन से लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो सी ऑल पे जाएं और आप देख सकते हैं कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। और उसके नीचे चैनल एनालिटिक्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे करंट सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 103 हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है +6 इन लास्ट 28 डेज, यानी कि पिछले 28 डेज में मैंने 6 सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं, और 6 सब्सक्राइबर्स हासिल करने के बाद मेरे करंट जो हैं वो हैं 103 सब्सक्राइबर्स। उसके बाद मेरी यहाँ टॉप वीडियोस आ रही हैं। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिजनेस के लिए यूट्यूब को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको अपने माइंड में रखना है और इसके हिसाब से अपनी चैनल की ग्रोथ आपने करवानी है। उसके बाद आप अपना यहाँ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियोस आ जाएंगी। फर्ज करें अब यूट्यूब में एक और गंभीर मसला है कि यूट्यूब में आप बाजू का देखेंगे, अगर आप पहले से वीडियोस बना रहे हैं तो आपकी वीडियोस के ऊपर क्या होगा, आपकी वीडियोस के ऊपर आ जाएगा कॉपीराइट। आप सोचेंगे ये क्या भी कॉपीराइट, मैं भी जब पहले भी बनाता था वीडियोज तो मुझे भी हुआ था कॉपीराइट आया, फिर मुझे एक दो लोगों ने कहा भी, समझाया भी कि ये कॉपीराइट जो होता है ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ होती है, इससे आपका चैनल वगैरह मोनेटाइज भी होता है, आपको पैसे नहीं मिलते और भी बहुत कुछ होता है। मैंने कहा छोड़ो ये कॉपीराइट क्या होता है, लेकिन वो मुझे बाद में भुगतना पड़ा। फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि जी कॉपीराइट आ जाए तो क्या होता है, असल में क्यों आता है कॉपीराइट। पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि कॉपीराइट आता क्यों है। अगर हम किसी की वीडियो उठाएं जिसके अंदर वाटरमार्क लगाओ, जैसे कि मैंने ब्रांडिंग में जाके आपको बताया था ना कि वाटरमार्क लगा लें, अगर आपका ये नहीं लगा हुआ, किसी ने आपकी वीडियो डाउनलोड की अपलोड कर दी, तो आप तो नहीं ना यूट्यूब को किसी बात का हवाला दे सकते कि ये देखें जी मेरी वीडियो यूज़ कर रहा है अपने चैनल पर डाल के वो पैसे कमा रहा है। यूट्यूब कहेगा कोई सबूत दें, फिर आप क्या सबूत देंगे। तो वो सबूत यूट्यूब ने इसी से बचने के लिए खुद ही एक हल दिया हुआ है कि यूट्यूब कहता है जी आप वाटर मार्क्स लगाएं। अब एक और काम भी हो सकता है क्या, आजकल वाटर मार्क हटाना बहुत मुश्किल है, नहीं, मिंटो स्किंडो में वाटरमार्क हट जाता है। उससे बचने के लिए आपको कुछ वेरिफिकेशन है और कुछ सिक्योरिटीज है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो आप अपनी चैनल को और वीडियोस को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस वक्त जो मेरी वीडियोस की एनालिसिस है ये आपके सामने है। कोई भी आपको सिखाए ना तो वो इस तरह नहीं सिखाएगा, मतलब कि जब तक वो आपको आपके डैशबोर्ड पे बिठा के हैंड जोन काम नहीं करवाएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि इस वक्त मैं आपको सिखा रहा हूँ अपने डैशबोर्ड पर, ये मेरा डैशबोर्ड है और ये लाइव वर्क कर रहा है, ये लाइव वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो है मेरी किसी भी वीडियो पे किसी के लिए भी नहीं है, बस ये पहली वीडियोज हैं मेरी कुछ
जिन पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है मेड फॉर किड्स की। अच्छा, अब मेड, जब आप वीडियो पब्लिश कर रहे हो तो मेड फॉर किड्स या नॉट मेड फॉर किड्स, दो ऑप्शंस आते हैं। अगर आप चाहते हैं सिंपल वर्ड्स में कि आपकी वीडियो पे कमेंट्स ऑन हो तो आप रख दें नॉट मेड फॉर किड्स, अगर आप चाहते हैं कि कमेंट्स ना आए तो आप मेड फॉर किड्स कर दें। बाकी वीडियो पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी ये वीडियो लगाऊंगा तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता। बाकी ये जिस पे नन है ना, यहाँ पे मैंने नॉट मेड फॉर किड्स किया था, तो जो है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका आपकी वीडियो कोई बच्चा देख रहा है तो कंटेंट आपने जो है उस हिसाब से डालना। अगर आपका कंटेंट सही नहीं होगा तो यूट्यूब आपको बैन कर देगा और दोबारा कभी आप उस नाम से रजिस्टर नहीं हो सकते। यहाँ पे आप अपनी वीडियोस की एनालिसिस देख सकते हैं, जैसे कि देखें मेरी वीडियो पब्लिक है इस वक्त। यहाँ पे पब्लिक पे आप क्लिक करें तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं कि आप इसको प्राइवेट करना चाहते हैं या पब्लिक करना चाहते हैं। अनलिस्टेड पे करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो यूट्यूब से हट जाएगी, तो फिर पब्लिश नहीं होगी, फिर आपको दोबारा से उसको पब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन वेरी नन है। उसके बाद डेट आपको नज़र आ रही होगी, फिर आपको व्यूज़ नज़र आ रहे होंगे और कमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे इस वीडियो पे, 1 है 2 है इस तरह। तो ये कुछ ऑप्शंस आते हैं। और उसके अलावा आप लाइव भी जा सकते हैं, लेकिन लाइव आप तब, जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तब तक आप लाइव नहीं जाएंगे। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट पे आ जाए। प्लेलिस्ट पे जब आप आएंगे तो प्लेलिस्ट असल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं मल्टीमीडिया टास्किंग का कोर्स कर रहा हूँ, आपने देखा होगा मेरे जो सॉफ्ट स्किल्स का चैनल है उसके ऊपर जो है मैंने जितने भी लेक्चर्स है ना उन सारों को ग्रुप करके एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। उससे क्या होगा, जब भी आप मेरा कोई लेक्चर ओपन करते हैं आप कहते हैं वाह ये तो लेक्चर मैंने करना है, तो इस अब मैं कैसे ढूंढूँ, इस चैनल में तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं तो अब मैं इसके बाकी लेक्चर कैसे ढूंढूँ। फिर साथ ही इसकी प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सबने देखा भी होगा कि वो सारे लेक्चर्स तरतीब से आपके सामने खुल जाएंगे। तो अगर आपने कोई प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो वो यहाँ पे आपको विजिबल होगी। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स पे आप क्लिक करेंगे तो लोडिंग होने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, आपको ओवरव्यू नज़र आएगा अपने चैनल का कि योर चैनल गॉट 130 व्यूज इन लास्ट 28 डेज। ये हर 28 डेज के बाद जो है रिफ्रेश होता है, तो ये देख सकते हैं व्यूज पे 130 व्यूज आए हैं मेरे पिछले 28 दिनों में। वॉच टाइम मेरा 1.8 आवर्स का यू बढ़ा है पिछले 28 दिनों में, और +6 सब्सक्राइबर हुए हैं। ये साथ साथ आपको नज़र भी आ रही होगी इसकी ग्राफ रेशो। और अगर आपके सब्सक्राइबर्स वो मतलब आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि सेकेंड सेकेंड बाद आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते हैं, आप वो देखना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे सी लाइव काउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं आप मेरी चैनल ग्रोथ आपको साथ साथ नज़र आ रही है। और ये 103 ये लाइव काउंट हो रहा है, देखें अपडेटिंग लाइव लिख के नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि अगर अभी 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 किसी ने सब्सक्राइब किया तो ये फ़ौरन फ़ौरन 104 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो आप इसको लाइव काउंट पे लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके चैनल क्या ओवरव्यू है। उसके बाद ये देख सकते हैं ये बता रहा है हमें कि ये रियल टाइम अपडेटिंग लाइव अपडेट हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं पिछले 7 दिनों का तो इस पर क्लिक करें तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आएगा योर चैनल गॉट 76 व्यूज इन लास्ट 7 डेज और 1.3 आवर्स का वॉच टाइम पूरा हुआ। इस तरह आप देख सकते हैं इन लास्ट 365 डेज, तो वो ये है कि हमारे चैनल पे 1,105 व्यूज आए हैं लास्ट 365 दिनों में, यानी कि पिछले साल। और जो है मेरा वॉच टाइम जो है वो इस वक्त 20.3 घंटों का पूरा हो चुका है, यानी 20 आवर्स पूरे हो चुके हैं। और ये जो है असल में, अब यूट्यूब हमें पैसे देता है, कहते हैं कि जी आप 1 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल के अंदर अंदर आपने करने हैं अपने चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर, और तो और ये जो 20 आवर्स लिखा आ रहा है ना इसको आपने 4,000 आवर्स पे लेके जाना है, यानी कि एक से 1.5 साल के अंदर अंदर आप चैनल पे 4,000 वॉचर्स कंप्लीट होने चाहिए और 1,000 सब्सक्राइबर्स आपके होने चाहिए। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे करेंगे तो मोनेटाइजेशन, इसका एक आएगा ऑप्शन, मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे
तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक टू स्टेप वेरिफिकेशन आ रही होगी आपको। अब यहाँ पे अगर आपने नहीं की ना, तो यहाँ पे वो आपको कहेगा कि जी टू स्टेप वेरिफिकेशन करें। वो करने का भी एक तरीका होता है, वो जब आप वो बस आपसे नंबर मांगेगा, आपका फोन नंबर मांगेगा, फिर आपको एक वो देगा, नंबर आपको मैसेज होगा। फिर जब वो मैसेज होगा आपको वहाँ एंटर करना होगा और आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। और जब ये आपकी वेरिफिकेशन होगी तो आपका चैनल हर तरह से सेव होगा, कॉपीराइट से बचने के लिए, हैक होने से बचने के लिए, और तो और उससे आपका चैनल भी मोनेटाइज जल्दी होता है। अब अगर आपकी किसी वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 या 2 या 3 इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। ये फिलहाल मेरा कोई नहीं है, तो देख सकते हैं 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, यानी अभी मेरे पे कोई गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है और मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। देखिए 1000 रिक्वायर्ड में से देखिए मेरे 103 हो चुके हैं, और 4000 रिक्वायर्ड में से मेरे 20 पब्लिक वॉच आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जब आप ये सब कुछ करवा लेते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, यानी कि मुझे नोटिफाई करो जब मैं मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होऊंगा। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो विल सेंड यू एन ईमेल व्हेन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि वो आपको एक ईमेल सेंड कर देंगे कि जी अब आप एलिजिबल हैं अपना चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए। फिर आपको यहाँ पे नोटिफाई के बजाय लिखा आएगा मोनेटाइज। तो जब मेरा भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह तब आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि चैनल मोनेटाइज किस तरह करवाया जाता है। उसमें भी काफ़ी लोग आके जो है वो हार जाते हैं। एक मिनट जरा आप वेट करें। जी क्या मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? ओके, जी आ रही है। जी तो अभी तक जो मैंने समझाया उसको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अच्छा समझ आ रहा है हम लोगों को। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। उसके बाद हर एक चीज के लिए YouTube ने आपको इतना ईज दिया हुआ है कि हर एक चीज के लिए अलग अलग उसने बना दिए डैशबोर्ड। जैसे आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो अलग डैशबोर्ड, कमेंट्स देखना चाहते हैं तो अलग डैशबोर्ड, सबटाइटल्स, कॉपीराइट, मोनेटाइजेशन, कस्टमाइजेशन, ऑडियो लाइब्रेरी तक वो आपको देता है। ऑडियो लाइब्रेरी का क्या काम है? ऑडियो लाइब्रेरी का काम ये है कि अगर आप अपनी वीडियोस में साउंड डाल के यूट्यूब पे पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप किसी वीडियो का साउंड नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो आप कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में आ जाएंगे, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अब हम साउंड लें तो ले कहाँ से? तो उसके लिए भी यूट्यूब ने हल निकाला हुआ है कि यहाँ पे यूट्यूब हमें देता है ऑडियो लाइब्रेरी। इस ऑडियो लाइब्रेरी में बेतहाशा सॉन्ग्स और म्यूजिक्स वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ से आप हर चीज़ लेके उसको अपनी वीडियो में ऐड करके इसको डाउनलोड करने का तरीका ये होता है, जब फॉर एग्जाम्पल ये वाला साउंड है यहाँ पे प्ले करेंगे, तो आपको अगर ये पसंद आया तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आया, फिर डाउनलोड हो जाएगी। और इस तरह से साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं आपको, कुछ ये सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, किड्स प्लेइंग, फैक्ट्री बैकग्राउंड, ट्रक ड्राइविंग इन, इस तरह आपको काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट मिलते हैं। फिर फ्री म्यूजिक जो है, म्यूजिक वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन, ये वही था जो हमें सबसे पहले पेज नज़र आया था, जिसमें आप अगर आप कस्टमाइजेशन पे आएंगे तो लेआउट चेंज कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे ब्रांडिंग अपने चैनल की चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपने चैनल की बेसिक इन्फो मिलेगी, यानी कि ये है आपके चैनल का नाम। जैसे मेरे चैनल का नाम है एम्बिशियस जूनियर, मेरे और भी चैनल्स का नाम है। मेरा पहला चैनल है एम्बिशियस जूनियर, दूसरा है सॉफ्ट स्किल विद नईम हाशमी, तीसरा है अहमद हाशमी ब्लॉग। तो ये दो तीन चैनल्स हैं, और चौथा हमारा है एक कुरान का बाग, उसमें हम कुरान से रिलेटेड चीज़ें डालते हैं। तो ये कुछ चैनल्स हैं जिनको आप भी सब्सक्राइब कर लें और उन चैनल्स को शेयर भी करें, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपना चैनल मोनेटाइज कर सकें। तो अगर आप यहाँ से अपने चैनल का नेम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करें।
और यहाँ से आप अपने चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप चेंज करेंगे फिर सेव और पब्लिश कर दें ताकि आपके चैनल का नेम चेंज हो जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो चैनल का नाम वही रहेगा। उसके बाद चैनल की डिस्क्रिप्शन आप कोई ना कोई डाल दें। तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाली हुई रोड टू नॉलेज, आप अपने हिसाब से जिस तरह का आप चैनल बना रहे हैं उस तरह से आप डाल सकते हैं। फिर अगर आप अपने चैनल का लिंक किसी और को देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चैनल URL का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और जिसको भी शेयर करना है आप कर लें। तो शेयर करने से वो इस जिस लिंक पे जो ये वाला लिंक आप शेयर करेंगे तो जो भी बंदा उस लिंक को क्लिक करेगा वो सीधा आपके चैनल को एज अ व्यूअर, याद रखें इससे ये नहीं होगा कि कोई भी बंदा आके आपके चैनल की ब्रांडिंग छेड़ है, लेआउट छेड़ है, मोनेटाइजेशन छेड़ है, कमेंट्स वगैरह, एज अ व्यूअर वो इस लिंक से आपके चैनल को एक्सेस कर पाएगा। तो ये थी आज की कुछ बेसिक चीज़ें। आपने अब आप सबका होमवर्क ये है कि आपने जो है अपने अपना चैनल बनाना है यूट्यूब चैनल, उस चैनल के ऊपर एक या दो दो या तीन आपने वीडियोस पब्लिश करनी है, उसमें यूट्यूब लाइब्रेरी से साउंड डालना है। साउंड किस तरह डालना है वो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया कि वीडियो एडिट किस तरह करते हैं, वीडियोस को एडिट किस तरह करते हैं, उस तरह आपने साउंड डालना है अपनी वीडियोस में। एक दो वीडियोस आपने चैनल पे पब्लिश करनी है पब्लिकली, प्राइवेटली नहीं पब्लिकली। इस तरह से आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। और उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशन में आके, बेसिक इन्फो में आके अपने चैनल का URL कॉपी करके आप सबने मुझे व्हाट्सएप में शेयर करना है, मैं सबके सबके चैनल जो है वो चेक करूँगा। ओके, ये था आप लोगों का होमवर्क। उम्मीद है आज के लेक्चर में आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं हूँ मोहम्मद अहमद हाशमी सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से। तो आज के लेक्चर में जो कुछ आपको सीखने को मिला, तो अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आई तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।